बैक टू माय चैनल और आज मैं बनाने जा रही हूँ आमले का अचार। तो सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी जो पूरी सामग्री जो है जो अचार बनाने के लिए लगती है वो दिखाती हूँ। तो अचार का मसाला बनाने के लिए हमें लगेगा जीरा और सौंफ, हल्दी, सरसों और लाल चिली पाउडर, यानी चिली पाउडर लगेगी। तो ये 1 2 3 4 5 मसाले हमें लगेंगे अचार बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये सौंफ, सरसों और जीरा जो है वो हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये 3 मसाले जो है ये मैं अभी मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो सबसे पहले मिक्सर में हम एक इतना जीरा ले रही हूँ मैं, सौंफ, जीरा, एक स्पून सरसों, ये सेम प्रपोर्शन में लेना है आपको और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। तो इसे हल्का दरदरा मैंने पीस लिया है इन तीनों चीज़ों को, जैसे कि जीरा, सरसों और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हल्का दरदरा ही पीसना है, एकदम से बारीक नहीं करना है। देखिए, और अब हम इन आमलों को कुकर में कुक करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पे मैंने आमले जो है वो थोड़े से पानी में डाल दिए हैं और इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी और इसकी सीटी जो है वो निकाल दी है मैंने और इसे अभी 5 to 10 मिनट्स तक ऐसे कुक करेंगे जब तक आमले उसका बीज नहीं छोड़ देते। तो ये इस तरीके से कुक हो जाएंगे। सो देखिए, ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो अभी गैस को बंद कर देते हैं और आमले जो है ये भी मैंने बीज से सेपरेट कर दिए। ये देखिए, इसके बीज निकाल लिए मैंने और इन आमलों को अब हम मिक्स करेंगे मसालों के साथ। सो ये देखिए, ये मसाले मैंने इस तरीके से रख दिए थे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे गरम किया हुआ, इसमें से बबल्स आने चाहिए। अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके साथ आमले मिक्स करते हैं। बस बन गया अचार, इसमें नमक डालना बाकी है।
इसमें नमक डालना बाकी है जो मैं अभी डाल रही हूँ। और ये है डिब्बा जो मैंने धो के पोंछ के रखा है 2 दिन तक। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसे एक बार पोंछ लीजिए, ड्राई कीजिए, एकदम बिल्कुल ड्राई करना है। और फिर इसे तो अभी हम इसमें भर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के रखेंगे ताकि ये बहुत दिनों तक खा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आमले का अचार जो है वो बनके रेडी। ऊपर से और ऑयल भी डाल सकते हैं आप इसको। देखिए इस तरीके से जो ऑयल है वो पूरा पूरा भर दिया है मैंने, ताकि ये अचार जो है वो 4-5 महीने तक आराम से आप खा सकते हैं। तो इस वजह से इसे इस तरीके से बहुत सारे ऑयल में डुबो के रखना पड़ता है। और ये स्वादिष्ट अचार जो है वो बन के रेडी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे बहुत सारे लाइक्स देना, थम्स अप देना, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं नाइट टाइम मेरा स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ फिर से फॉलो, क्योंकि अभी क्या हुआ है फिर से ये जो पिगमेंटेशन है ये थोड़ा बढ़ गया है ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो मैंने लिया है ये नीम का फेस स्क्रब है, एल्प्स गुडनेस का। ये स्क्रब मैं 10 से 15 मिनट तक फेस पे रखूँगी और उसके बाद ये पपया का जो है फेस पैक जो है उसके बाद लगाऊंगी। तो ये मैं नाइट टाइम स्किन के रूटीन अभी रेगुलरली चालू करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पिगमेंटेशन पहले जस्ट इतना सा ही था, अब थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो स्किन की केयर करनी पड़ेगी अदरवाइज़ वो बढ़ जाता है। तो अभी ये 2 प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करती हूँ। सो अभी मैं लगाऊंगी ये पपया मास्क, ये एल्प्स गुडनेस का है। तो इससे दाग धब्बे चेहरे के कम होने में मदद होती है।
पपया जो है वो एंटी ब्लेमिश, यानी पपया का काम ही वैसे होता है कि वो चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे है वो कम करने में मदद करता है। और स्पेशली पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है पपया। सो ये एक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन मैंने अभी चालू किया है। तो आज खाने में बनाए हैं फ्रेंच बीन्स और गुड मॉर्निंग सबसे पहले, और फ्रेंच बीन्स बनाए हैं और रोटी। ये डाइट के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है और इसमें मैंने थोड़ा सा बीट भी डाला है। तो ये मैं अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच मेरा सब एक एक ही हो जाता है, यानी एक ही टाइम पे मैं दोनों कर लेती हूँ। और ये है मेरा जीवामी का लिया हुआ नाइट ड्रेस जो मैंने अभी अभी पहना है। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आपके सामने एक रोटी का बाइट लेती हूँ और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल विथ अ न्यू ब्लॉग। बाय बाय।